अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वजीहास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ गोश्त का अचार। आइए देखते हैं गोश्त का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी मटन हाफ के जी। मैं यहाँ पे बोनलेस मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेक श्योर रहे कि फ़ैट बिल्कुल ना हो मटन में। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लें मटन के। रेड चिली पाउडर 7 to 8 टी स्पूंस, ड्राई रेड चिलीज 4 to 5, लेमन जूस 1 कप, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर 3 to 4 टी स्पून, रोस्टेड मस्टर्ड पाउडर यानी कि राई पाउडर 2 to 3 टी स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टी स्पून, क्यूमिन सीड्स यानी कि साबित ज़ीरा 1 टी स्पून, मस्टर्ड सीड्स यानी कि साबित राई 1 टी स्पून एंड ऑयल 200 ml। आइए हमारे रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर तकरीबन 2.5 टी स्पून, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टी स्पून। अब इन सब मसालों को मटन में अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले यहाँ पे मटन में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आइए अब हमें इसे कुक करना है। इसके लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा मैरिनेट किया हुआ मटन। मटन को इसमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 ग्लास पानी। मेक श्योर रहें कि आप पानी यहाँ पे ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि मटन काफ़ी सारा पानी छोड़ता है। अब इसे लिड लगाकर कुक होने के लिए रख देते हैं। 1 विजल होने के बाद आपको इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रखना है, तक हमारा मटन कुक होता है। आइए हमारे अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अचार का मसाला हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में यहाँ पे सबसे पहले ऐड करूँगी लेमन जूस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर 3 टी स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड पाउडर यानी कि राई पाउडर 2 टी स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर तकरीबन 5 टी स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर 1/2 टी स्पून। मैं ऐड करूँगी नमक तकरीबन 1 टी स्पून। अब इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। सकते हैं यहाँ पे हमारा गोश्त के अचार का मसाला प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। आइए 15 मिनट्स बाद चेक करते हैं हमारा मटन कुक हो चुका है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका पानी भी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हमें इसे शैलो फ्राई करना है। इसके लिए एक पैन में यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा कुक किया हुआ मटन। मटन को आपको इसमें 10 से 15 मिनट के लिए शैलो फ्राई करना है, तब तक जब तक इसका मसाला कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाता और ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट के लिए शैलो फ्राई करते रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मटन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। जिस तरह का कलर और टेक्सचर हमें चाहिए था, यह बिल्कुल क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन कलर का यहाँ पे फ्राई हो चुका है और इसका मसाला भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। आइए अब हम इसे जो हमने अचार का मसाला प्रिपेयर करके रखा था उसमें ऐड कर लेते हैं। मसाले में मटन को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले में मटन बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आइए अब अचार का तड़का हमें तैयार करना है। उसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करूँगी ऑयल तकरीबन 8 to 10 टेबल स्पून। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। और ज़ीरा क्रैकल करना स्टार्ट कर दें तो आप इसमें ऐड कर लें ड्राई रेड चिलीज और इसे भी 8 to 10 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें और फ्लेम को ऑफ कर दें और ऑयल को कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख दें। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑयल कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, यह बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा प्रिपेयर किया हुआ मटन।
मटन को ऑयल में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल में मैंने मटन को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा गोश्त का अचार बिल्कुल रेडी है। आइए अब मैं आपको इसे डिश आउट कर बताती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गोश्त का अचार बिल्कुल रेडी है। जैसा कि आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहें तो इसे और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर प्रिजर्व करके रेफ्रिजरेटर में रख के 4 to 5 months तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।